अस्सलाम वालेकुम सामईन नाज़रीन। नाज़रीन, आज की वीडियो है चंद मेहनत कश अफराद के नाम जिन्हें इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनको मिलता फिर भी कुछ भी नहीं है और वबाल सारा हुकूमत का होता है, लेकिन बर्दाश्त इन सब को करना पड़ता है। सो शुरू करते हैं अपनी वीडियोस। तो जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान मुबारक चल रहा और महंगाई सिर्फ इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ठेलों वाले या जो रेहड़ियाँ वगैरह लगाते हैं वो अपनी तरफ से दाम लगाते हैं। सो इस मुतलक एक भाई साहब मिले, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि मैं इस मुतलक बात करना चाहूँगा, सो उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी तो भाई, आप मुझे ये बताना चाहेंगे, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं आप लोगों पर कि रेट ये अपनी तरफ से ज़्यादा लगाते हैं, अब मुझे ये आप बताना चाहेंगे कि आपको मिलता किस हिसाब से है और बाकी मामला क्या होते हैं बताएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, महंगाई तो जो खाली ज़ात के जमीर में नहीं है, ये तो पाकिस्तान से चली जाती है। पाकिस्तान में जब कोई आइटम महंगी होती है तो कश्मीर में भी महंगी होती है, और हम ये मंडी से चलाते हैं तो जो चीज़ उधर से हमको ज़ाहिर है महंगी मिलेगी तो हम महंगी बेचेंगे। हम जी मुझे ये बताना चाहते हैं क्या रेट चलते हैं तमाम जो चीज़ें आपने लगा के रखी हुई हैं, इनके रेट बता देंगे। पहले तो जो दो तीन रोज़े गुजरे तो मंडी बहुत महंगी थी, अब माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी चेंजिंग आई हुई है। जो हमारे पास ये केला है ये सबसे अच्छा केला है, ये 150 में पड़ता है, 160 में हम सेल करते हैं। सही। और ये सर्दा है ये तो हम 60-70 रुपए में सेल कर रहे हैं। सही। और ये सेब 180 रुपए सेल कर रहे हैं। सही। ये खकड़ी जो है ये 100 रुपए सेल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, चांद नज़र आया रमज़ान का, तो ये रेट इतने ज़्यादा हाई हो गए थे कि बमुश्किल हो रहा था। ये भाई मुझे यहाँ पे बता रहे हैं 60 रुपये, मैंने तरबूजे की कीमत 100 सुना था। भाई बेसिकली आप कहाँ से? बेसिकली मैं इधर करने वाला था लेकिन गुजरा वाले काम करता था। कितना अच्छा था उधर, तो मैंने 20 साल काम किया। 20 साल, मेरी 23 साल उम्र है और भाई 30 साल काम करके आए माशाल्लाह। अब माशाल्लाह बस मुझे तकरीबन 20-25 दिन हो गए इधर कारोबार करने में, यानी कि वहाँ के हालात से तंग आकर भाई यहाँ पे आए हैं। महंगाई बहुत थी और कमरे का किराया बहुत था जी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उधर से भाग के रहे आपने कश्मीर में आ। और देखें माशाल्लाह से, जैसे हाथ की पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, इसी तरह सारे कारोबार करने वाले भी एक तरह के नहीं होते। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कश्मीर जन्नत नसीब, वैसे भी यहाँ पर काफ़ी मौसम वगैरह भी ठीक होता है, सो इंशाल्लाह और किसी भाई को देखते हैं मिला बात करने के लिए। यहाँ पे अक्सर व बेशतर लोग बात करना ही नहीं चाहते। जी ये एक और भाई हैं, बस इनसे मुख्तसर सी बात करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, महंगाई के मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आवाम बहुत पीछे रह गई है, ज़्यादा लोग भूखे मार रहे हैं। कोई भाई जिस बंदे से भी बात करता हूँ हर बंदे का एक ही कहना है कि हुकूमत 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 तो अब चेंज हो गई है, क्या आपको लग रहा है कि अब हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह बेहतर। जी तो भाई तो बहुत पर उम्मीद है और देखते हैं जी कि हालात बेहतर होते हैं या नहीं होते, तो देखते रहें हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच।